नमस्कार किसान भाई, ऑल इंडिया फार्मर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखिए पोल्ट्री फार्म में आए हैं, जो कि ये है बुलंदशहर का पोल्ट्री फार्म। एक जो है मुर्गी को कितने कैसे टेम्परेचर में रखा जाता है। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में आप जानेंगे पोल्ट्री फार्म का तापमान किस तरह का होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चूजे कूड़े के सही तापमान पर अत्यधिक निर्भर है। यदि कूड़े और हवा का तापमान बहुत ठंड, तो शरीर के आंतरिक तापमान में कमी आएगी, जिससे हैंडलिंग बढ़ेगी और चारा और पानी का सेवन कम हो जाएगा, जिससे कम वृद्धि होगी और बीमारी की संभावना हो सकती है। प्री हीटिंग, यह जलवायु की स्थिति, घर के इंसुलेशन और हीटिंग क्षमता पर निर्भर है और यह हर खेत में अलग अलग होगा। चूजे में पहले 5 दिन के लिए शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती और 14 दिन की उम्र तक सेल्फ थर्म रेगुलेशन क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं होती। यदि आवश्यक हो तो जबरन वायु तापमान के साथ फर्श का तापमान कम से कम 32 डिग्री 90 यानी 95 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। जैसे ही आप चूजे प्राप्त करते हैं, तापमान बिना किसी असफलता के ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए। थर्मामीटर तापमान जांचने के लिए हमेशा थर्मामीटर का इस्तेमाल करें। कभी भी अपने आप से न्याय ना करें। हमेशा पक्षियों की ऊंचाई से तापमान की जांच करें और ब्रीडिंग क्षेत्र के कई अलग अलग क्षेत्र से जांच की जाए। इसी दीवार के पास या किसी ऐसी चीज के पीछे नहीं लटकाना चाहिए जिससे हवा का प्रवाह बाधित हो। यदि अच्छा तापमान बनाए नहीं रखा जाता तो बेहतर उत्पादन के लिए अतिरिक्त फीड का सेवन, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक नुकसान होता है। तो चलिए, पहले 7 दिन का तापमान 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। यदि आप अपने खेत में यह तापमान नहीं रख पा रहे हैं तो चूजे पक्षी तनाव में होंगे और तनाव बीमारी को नियंत्रण देंगे। इसीलिए उचित देखभाल करके, नो ट्रेस देकर अपने पक्षी को मजबूत बनाएं। बरसात के मौसम में हवा का प्रवाह अधिक होना चाहिए और यह आपके पोल्ट्री फार्म को ठंडा कर सकता है और तापमान प्रबंधन में गड़बड़ी हो सकती है। तापमान और अच्छे प्रबंधन को बनाए रखने के लिए, तेज हवा को नियंत्रित करने के लिए उचित प्रबंधन दिया जाना चाहिए। कुक्कुट पालन फार्म का पर्दा बहुत हाइट में रखें, जिससे किसी प्रकार का नुकसान न हो। अगर गलती से कॉटन फेल हो जाता है तो यह आपके प्रॉफिट को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं आपको इसमें कुछ जो तापमान होते हैं वो कितने फ़ारेनहाइट के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला सप्ताह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, दूसरा सप्ताह 90 डिग्री, तीसरा 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा 85 डिग्री फ़ारेनहाइट और पांचवा 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, छठा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। अधिक जानकारी, चूजे के आने से पहले लगभग 16 ऊंचे